क्या हुआ जाति विहीन समाज का, क्या हुआ भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का, उसी के खेल में लग गए। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार की जनता 32-33 साल बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार को झेल चुका है। इस माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, चारा चोर, खजाना चोर के विरोध में खड़ा किया था, आज वो खुद उसके गोद में जाके बैठ चुके हैं। तो कम से कम कोई व्यक्ति हिम्मत तो जुटाया सच कहने का, हम तो धन्यवाद देते हैं। देखिए मांझी जी सम्माननीय हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने हृदय की बात को कहा कि तेजस्वी यादव जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और उनके पिताजी अकूत संपत्ति कमाए, आज जेल के अंदर सजायाफ्ता भी हैं, बेल पर हैं, उनके पुत्र को आगे बढ़ाने का निर्णय, उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी को है। क्योंकि जिस माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, चारा चोर, खजाना चोर के विरोध में खड़ा किया था, आज वो खुद उसके गोद में जाके बैठ चुके हैं। तो कम से कम कोई व्यक्ति हिम्मत तो जुटाया सच कहने का, हम तो धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के बिहार को जो अंधकार के गुफा में भेजने के खेल खेलने वाले माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपसे एक एक हिसाब लेगी। जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़के आए थे लालू यादव, कांग्रेस समाजवाद की नारा देकर के आए थे, जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, क्या हुआ जाति विहीन समाज का, क्या हुआ भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का, उसी के खेल में लग गए। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार की जनता 32-33 साल बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार को झेल चुका है। बिहार देश के हर पैमाने पर पिछड़ते जा रहा है, इनकी छोटी सोच से, इनके छोटे विचार से। बिहार को एक बड़ा विचार, समग्र विचार का भाव रखने वाला नेतृत्व चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा, जो सबका साथ सबका विकास की बात करे, सबको लेकर चले, समाज के अंदर शांति, सामाजिक सद्भाव के साथ साथ विकास के प्रति समर्पित हो, न कि भ्रष्टाचार के प्रति। क्या लगता है सर, चिराग पासवान की एंट्री के बाद मतलब बीजेपी की राह आसान हुई है मोकामा में? बीजेपी की राह पहले ही आसान थी। चिराग पासवान जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बनने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने का उनका संकल्प दिखाई पड़ा है। इसलिए जो भी राष्ट्रवाद के पथ पर चलेंगे, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।